वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं आया हूँ मोगलीप और सबका स्वागत है मोगलीप सीरीज में। बहुत दिनों बाद ट्रैवलिंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी ठंड हो रखी है यहाँ पे। और मोगलीप एक पहले मोगलीप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मोगलीप एक 12वीं सदी में बना हुआ एक बहुत पुराना सिटी है और ये आई थिंक अनएक्सप्लोर्ड सिटी है फॉर इंडियंस, बिकॉज आई थिंक मैंने यूट्यूब पर इसका कोई इंडियंस के द्वारा वीडियो नहीं देखा है, हिंदी में कोई वीडियो नहीं है। तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, मैं पहला ऐसा इंडियन पर्सन हूँ जो पहली बार आपको मोगलीप दिखा रहा हूँ, जो कि एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है जो कि फॉर इंडियंस। तो अभी हम लोग जस्ट ट्रेन से उतरे हैं, सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी जस्ट मेरे पीछे यहाँ का रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा और छोटा है बट अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छे सजाया हुआ है और फुल डेकोरेशन है यहाँ पे। इवन अभी जनवरी का महीना है तो फिर क्रिसमस था अभी और न्यू ईयर, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड भी है ये। तो अभी हम लोग पूरे दिन का ट्रिप है आज, और पूरे दिन में जितनी जगह घूमेंगे आपको सब जगह दिखाएंगे और मे बी इसके 2 या 3 ब्लॉग हो सकते हैं। तो अभी पूरी ट्रिप अनप्लैंड है सबसे बड़ी बात, तो देखते हैं क्या है। और अनप्लैंड ट्रिप का आपको पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तो वीडियो तो देखते रहिए और दिखाते हैं आपको मोगलीप सिटी। जैसा कि अभी हम लोग रेलवे स्टेशन से निकले, तो उसके निकलने के बाद ही जैसे हम लोग को पता चला कि यहाँ पे 2 किलोमीटर के बाद, जैसे हम लोग वहाँ से 2 किलोमीटर चले, उसके बाद सारी जगह 2 किलोमीटर के बाद सारी जगह जितनी भी ट्रैवलिंग और टूरिज्म स्पॉट्स हैं, जो जो मेन यहाँ की जगह है, वो सब इसी एक ही जगह पर हैं। तो मैंने सोचा केवल वहाँ पर जाके, तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए, तो अभी यहाँ से सारा वॉक करते करते सारा देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें जैसे स्टॉप पर आए तो हमें सबसे पहले दिखा यहाँ का चर्च, जो कि बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। तो ये यहाँ का काफ़ी पॉपुलर और पुराना चर्च है, तो अगर ये खुला होगा तो अभी आपको अंदर चल के दिखाते हैं। बाकी और अभी पास में ये ऐसे ही मेरे जस्ट बगल में यहाँ का थिएटर है, तो यहाँ पे कीनो सिनेमा बोलते हैं, बहुत पुराने सिनेमाज हैं यहाँ पे। तो एक तो ये है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे आई थिंक पूरा जितना भी टूरिज्म और ट्रैवलिंग स्पॉट्स हैं सारे यहीं पर हैं। तो एक एक करके सब दिखाते हैं और वीडियो थोड़ा लंबे होंगे और कम वीडियो होंगे, सो एंजॉय द वीडियोस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उसका जो मेन गेट था वन था, अभी दूसरा जो गेट है तो ये ओपन है। तो अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि यहाँ का जो आई थिंक सबसे पॉपुलर चर्च लगता है मेरे को, बिकॉज ये चर्च बना हुआ है 1906 में, चर्च बना था ये, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1906। और चलते अंदर दिखाते हैं, पूरा वुडन वर्क है, तो आप देखिए। सो हियर इज द चर्च, आई थिंक कैमराज एंड वीडियोज फोन्स आर नॉट अलाउड, तो मैं वीडियो शूट नहीं करूँगा बिकॉज We have to respect all the religions. So, friends, जैसा कि अभी हमें अंदर गया चर्च के, तो सबसे खास बात चर्च की आपको बता दूं, पूरा चर्च अंदर से गोल्डन, एवरीथिंग वॉज गोल्डन इन साइड द चर्च। इवन जो कैंडल्स थी वो भी गोल्डन कलर की थी। तो चर्च का अंदर से तो नहीं दिखा सकता बिकॉज रेस्ट्रिक्टेड है फोन वगैरह, बाकी बाहर से चर्च काफ़ी प्यारा है। तो अभी चलते हैं दूसरे स्पॉट पे, तो दिखाते हैं कैसे क्या है। और ये सिटी का एक छोटा सा आपको बताऊं कि मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे आके आप अपना एक अच्छा सा दिन आप स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज इतना कुछ ज़्यादा टूरिज्म स्पॉट्स नहीं है यहाँ पे, कुछ एक लिमिटेड जगह पे ही टूरिज्म है। और बट यहाँ पे हाँ, इतना क्राउड नहीं है जैसे मीन्स्क में है और सिटीज़ में इतना क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा हसल होता है, इतना नहीं है इधर, लिमिटेड है और इतना परेशानी नहीं है। तो मेरे पीछे एक जगह जस्ट बहुत अच्छा लगता है, रशिया में इस चर्च होते हैं उन तरीका का भी बनाया हुआ है, जैसे मोस्टली रशिया में डोम वाले चर्च होते हैं उसी की तरह हुआ है। तो बाकी चलते हैं अभी, सो जस्ट बी इन द वीडियो।
तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी आप पीछे से चर्च से अभी हम लोग वॉक करते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पे एक जगह है 0 किलोमीटर नाम से। तो 0 किलोमीटर एक ऐसी जगह है यहाँ पे, लाइक जैसे हर सिटी में एक होता है उनका मेन स्टेशन, लाइक जो कह सकते हैं सेंटर ऑफ द सिटी। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 0 किलोमीटर जो सेंटर ऑफ सिटी से जाना जाता है। जैसे हर जगह पुरुष्का लेक ना है यहाँ पे, तो एक स्टॉप होता है, लाइक स्टॉप क्या मतलब कह सकते हैं उसको, सिटी सेंटर कह सकते हैं। तो अभी 0 किलोमीटर से पीछे बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, और मेरे जिस पीछे ये छोटा सा इनका पार्क है, और उधर है 0 किलोमीटर मेन लाइक बिल्डिंग एंड स्टॉप जो भी है। तो अभी आपको दिखाते हैं कैसे क्या है। सो देखिए, तो यहाँ पे है ये इनका सबवे और ये मेन रोड, और इधर है 0 किलोमीटर पूरा बना हुआ। तो अभी यहाँ पे आगे जाके वहाँ पे किसी की एक अच्छी सी स्टैचू बनी हुई है, और वहाँ पे दो तीन चीज़ें होती है एक्चुअली यहाँ पे हर सिटी के अंदर। एक और कॉमन चीज़ होती है जो फायर होती है, जिसको अमर ज्योति बोल सकते हैं अपने इंडिया के, अपने इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हर सिटी में जलती है यहाँ पे, तो मे बी वहाँ पे होगी, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। और ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, देख सकते हैं आप इसकी हाइट अच्छी खासी। वहाँ पे स्टैचू है, तो एक बार आपको वो दिखा देते हैं, फिर चलते हैं आगे एक मे बी म्यूज़ियम और मे बी सम अदर प्लेस, बिकॉज म्यूज़ियम खुलता है यहाँ पे 11 बजे करीब। और ये तो खैर ओपन स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। और एक बात और, यहाँ पे क्रिसमस होता है, तो यहाँ पे क्रिसमस ट्री प्लांट करते हैं लोग, और उसके बाद पूरा डेकोरेटेड होता होगा, बिकॉज अभी खैर 24 जनवरी हो चुकी है, तो आई थिंक क्रिसमस ट्रीज वगैरह हटा रखे हैं लोगों ने। तो ये एक छोटा सा देख सकते हैं प्यारा, एकदम छोटा सिटी, शांत सिटी है। बाकी क्लोजअप से वो दिखाते हैं स्टैच्यू। जैसा कि मैं इस स्टैचू के बारे में आपको बता दूं, ये 1957 में बनी हुई स्टैचू है, और ये यूनिवर्सिटी इन्हीं ने बनाई थी। और ये स्ट्रीट है काफ़ी अच्छी यहाँ पे, लाइक इनके फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे, सेलिब्रेशंस होते हैं, मे बी स्टेज वगैरह स्टेज शो भी होते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, मूव करते हैं यहाँ से यहाँ के म्यूज़ियम के पास। सो लेट्स हैव अ लुक। जैसा कि अभी हमने 0 किलोमीटर का जो स्क्वायर है उसको देखने के बाद, अभी जिस सामने से हमने सर्च किया काफ़ी खाने पीने की कहाँ जगह है, तो सामने ये दस्ताव का वकूश ने ईदा लिखा था लाइक। तो अभी इसके अंदर जाके हमने अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है और कॉफ़ी ऑर्डर करी है। तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा भी दिखता है, और सब कुछ अंदर है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनका कैफे किचन है, और साथ में पूरा छोटा सा हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे हम लोग को हार्ड पड़ा हुआ जाए ढूंढना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो अभी पिज़्ज़ा लिया है मार्गरीटा, उसमें टॉपिंग्स डला के और कॉफ़ी। तो अभी इतना ही लेके खा के म्यूज़ियम चलते हैं, आपको म्यूज़ियम दिखाएंगे इसके बाद।